इनको पिता पुत्र पौत्रात्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो भी सभी बीमारियाँ हैं पिता हर एक दर्द है कमजोरी तेरे नाम से दूर हो जाए। हर एक व्यक्ति पौत्रात्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। जो नौकरी की समस्याएं हैं जॉब की समस्याएं हो तेरे नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। एग्जाम आने वाली है पिता उनको एग्जाम लिखने में सहायता प्रदान कर पिता। जो पढ़ते हैं उनको याद करने में उनकी सहायता प्रदान कर पिता। वो जब यात्रा करके जाते हैं पिता ने पंखों की आड़ में छुपाया रहा कोई में हमारे कोई मारे पिता इनको छू भी ना। भविष्य मसीह के मधुरों मीठ नफ्स मां साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। और इस प्रार्थना में घर परिवार के लिए जो बीमार पड़ों के लिए सभी समस्याओं बीमारियों के लिए प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को क्लेम करें कि प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार के लिए की जा रही है तो प्रभु उनके जीवन में आज की सुबह आशीष को भेजने जा रहा है। घर से निकलने से पहले प्रार्थना को सुन के जाइए। अपने रूम में अपने घर में प्रार्थना को चालू करके रखिए। परमेश्वर की सामर्थ्य उसकी आशीष वहाँ आएगी मेरे पियो। डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा डाउनलोड कर लीजिए और अपने रूम में अपने घर में चालू करके रखिए। प्रभु की आशीष आएगी। वहाँ कोई बंधन होगा कोई भी अंधकार की आत्माएं कार्य कर रही होगी प्रार्थना को सुनते ही वहाँ से निकल के चली जाएगी। हालेलुया। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में भेजिए। हम हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। जितने भाई बहन अपने हाथ को आग बढ़ाकर बीज बोए हैं भेंट दर दशमत भेजे हैं चाहे जमीन के लिए सहयोग किए प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन के अनुसार 100 गुना वापस। अगर आप हमें भेंट भेजना चाहते हैं दान राशि भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट बटन मिल जाएगा। अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास में कायम होकर इस प्रार्थना को सुनिए। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में आशीष को भेजेगा विश्वास के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। ऊरी सिखरा बाहुल रबा रिखरा बा रक्तम जयम। धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता हर एक बात तो कुले पिता परमेश्वर रात को सुनाई दिया एक नया दिन दिखाया और जीत जीत रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रसन्नित करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। जितने भाई प्रार्थना को देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से पिता आशीष की घोषणा करते चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनके जीवन पिता आज की सुबह अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता। हर एक रुका हुआ कार्य तेरे नाम से पिता आज की सुबह पूरी होने पाए पिता। हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए पिता। जो भी समस्याएं हैं पिता इनके जीवन में आज की समस्याओं का समाधान मिलने पाए पिता यही प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु दिन भर कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर। जहाँ भी कार्य करना चाहते हैं अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख। हर एक महामारी बीमारियों से इन सारे भाई बहनों को बचाए रख पिता यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों को चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता बोझ से दबे हैं पिता बोझ से दबे कहरा रहे हैं पिता। वो उनकी समस्याओं चारों तरफ घेर के बैठे पिता जी उनके रास्ते बंद चला रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी प्रार्थना को देखते ही सुनते हैं पिता उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना को सुनते हैं पिता उनके हर एक बंधन तेरे नाम से टूटने पाए पिता। जो भी बंद रास्ते हो तेरे नाम से खुलने पाए पिता। हाँ प्रभु जी वो चिंता करने वाली बातों को उनके जीवन से उनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। ऊरी सिखर राबा हुल राबा रिख राबा रक्तम जब। जो भी चिंताएं हैं पिता इनके जीवन से दूर होने पाए। जो बंद रास्ते हैं तेरे नाम से खुलने पाए। जो बोझ से दबे कहरा रहे हैं पिता प्रार्थना को देखते हैं पिता उनका बोझ दूर हो जाए। मैं पियो अपनी चिंता अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह पर दीजिए। वो आपकी चिंता करते आपकी केयर करता है मेरे पियो। अपनी समस्याओं को दीजिए। समस्याएँ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे पहाड़ जैसे ही क्यों ना हो अपनी समस्या अपनी चिंता अपना बोझ उसको दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन से हर एक बंद रास्ते को खोलेगा समस्याओं को निकालेगा उसका समाधान देगा। हाँ प्रभु जी समस्याओं को निकाल कर समाधान दिया हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु जी बीमार पड़े सालों महीनों दिनों से हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना को देखते ही सुनते उनके जीवन में आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जहाँ भी है पिता जिस घर में प्रार्थना को देख रहे हैं रुक कर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहाँ कार्यशील हो जाए। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर जगह थके मांदे आए टोटों को दिखा के थक चुके हैं वो तेरे पास आए हैं पिता विश्वास के साथ आए हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता ये दुनिया कुन में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे सुन रहे हैं पिता उन सारे के भाई बहनों के जीवन में हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं पिता। जो बीमार पड़े हैं उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। जो बीमारियां इनके शरीर में है पिता पिता पुत्र पौत्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की
छुटकारे की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और इनके हाथ और इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए। हर कमजोरियां और बुलताएं तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय जिस परमेश्वर अंधे को आंखें दिलों में चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके बीच में है। विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कीजिए और अपनी चंगाई को, छुटकारा को उससे प्राप्त कर लीजिए मेरे पियो। क्योंकि जब विश्वास करते तो हम विश्वास के साथ हम आशीष को प्राप्त करते हैं। विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा गया, गड़ा गया और तीसरे जिंदा हो गया, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, उसके वचनों पर चलना, उसके ज्ञाओं को पालन करना है मेरे पियो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम आशीष, चंगाई, छुटकारा, उद्धार को प्राप्त करते हैं। हम उसके कूड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जिन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनको पिता पुत्र पुत्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो भी सभी बीमारियां हैं पिता, हर एक दर्द है कमजोरी तेरे नाम से दूर हो जाए। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए पिता। तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दाना दसवां भेजे हैं पिता, चाहे जमीन में सहयोग किए हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। और दुनिया कोने में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना कर, जो बीमार पड़े हैं पिता वो तेरे नाम से चंगे होने पाए खुदा। चिंताओं में, समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, वो चिंता उनकी समस्या उनके जीवन से निकलने पाए पिता। वो जितना बीज बोते हैं पिता उसके 100 गुना कटने काटने जा रहे हैं, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके सैलरी पर, उनके बिजनेस से पिता परमेश्वर उनके 100 पे हम तेरे नाम से आशीष को भेजते हैं, बरकत को भेजते हैं पिता परमेश्वर। जो पैसा बचते पिता उस पैसे को हम आशीष करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी उस पैसे को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, महीने में चलाने में सहायता कर खुदावन। यही प्रार्थना करते हैं, हर एक कर्ज के बंधन को इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं पिता। और जितना भी हाथ बढ़ाकर पिता अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार बीज बोते हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा कर, जितना बीज बोते हैं 100 गुना कटने काटने जा रहे हैं, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। श्री खराबाहुल रबर रक्तम जया। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो विदेश में रह कार्य करते हैं और जहाँ भी रहते पिता बहुत तरह छुपा रहे पिता, जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, वो हर एक समस्याओं को हम उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। हर एक समस्याओं का समाधान देने जा रहा, एक नया रास्ता खोलने जा रहा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो नौकरी की समस्याएं हैं, जॉब की समस्याएं हैं, तेरे नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। ओ हल्लेलुया। शिखरा बाहुल रबा रिखरा बा। इन सब परिवार के लोगों के प्रार्थना करते हैं पिता, जहाँ भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता, पंखों की आड़ में छुपाए रख, कोई हमारे कोई मारे को छू भी ना पाए पिता, हर एक जरूरत तेरे नाम से पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। इन सबको तू आशीष प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कष्टों में पड़े हुए हैं पिता, निराशा में पड़े हुए हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को देखते हैं पिता, उनका हर एक कष्ट दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी उनके जीवन में सुख शांति आने पाए पिता। जो भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में अशांति वाली बातें हैं, शोक करने वाली बातें हैं पिता, उन बातों को इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। इनके जीवन में हम तेरे नाम से पिता हम शांति को भेजते पिता, और शोक को निकाल कर हम खुशी को भेजते पिता परमेश्वर, आनंद को भेजते तेरे नाम से पिता। इनका जीवन पिता इस प्रार्थना के द्वारा परिवर्तन हो जाए, यीशु मसीह का वचन उनके हृदय में व्याप्त हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको तो आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं, बुरी आत्माओं में, अंधकार की आत्माओं में फंसे हुए, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस प्रार्थना को देखते ही सुनते हैं उनके जीवन पिता अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी प्रार्थना को देखते हैं, नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट हो जाए खुदावन। हाँ प्रभु जी हर एक अंधकार की आत्मा, दारू की आत्मा, गंदे की आत्मा, बुरी आत्मा उस घर से, उस उनके जीवन से, उनके दिल से, उनके मन से, उनके हृदय से निकल के चली जाए पिता, उस घर में सुख शांति आने पाए पिता। और जहाँ प्रार्थना चल रही पिता, उस घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश से उज्याला, वचन का सामर्थ्य नाम से आ जाए पिता, ये हम प्रार्थना करते हैं। सारे भाई बहनों को तो इन नशों के अलग से छुटकारा दिलाया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाएं पिता, हम प्रार्थना करते हैं, वो दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे पिता, उनके जीवन तो आशीष को भेजने जा रहा, जहाँ भी रहते हैं पिता उस जगम तेरे नाम की महिमा उनके अंदर प्रकट होने जा रही है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो दवाई खाते हो दवाई को हम आशीष करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। ओ ऋषि खराबा हूँ खराबा रक्तम जय। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी महीने पंखुतरे छुपाए रख पिता, ये महीना इन सब के जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता, हर एक रुका हुआ कार्य पिता इस महीना पूरी होने पाए पिता। प्रभु जी जो भी इनके बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए पिता, जो भी आशीष रुकी हुई है पिता और दुगनी वो आशीष उतरने पाए पिता, वो आशीष खुलने पाए पिता। जो भी रुका हुआ काम है तेरे नाम से शुरू होने पाए पिता इस महीना, यही हम प्रार्थना करते।
करते हैं। सारे भाई बहनों को तो आज से भरपूर किया हम धन्यवाद देते हैं। दीमक कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते पिता उन पंखों की आड़ में छुपा रख, कोई में हमारी कोई मर पिता इन सबको छू भी ना पा पिता, ये हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, इन सबको तो आज प्रदान किया धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से पिता इस प्राय प्रार्थना जिस घर में चले उस घर के चाहो तो बांधते हैं, उस घर में रहने वाले हर व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते जो बाहर जाते पिता, इन सबको सहायता प्रदान कर पिता। बहुत से भाई बहन पिता आने वाले दिनों में एग्जाम आने वाली है पिता, उनको एग्जाम लिखने में सहायता प्रदान कर पिता, जो पढ़ते हैं उनको याद करने में उनकी सहायता प्रदान कर पिता। वो जब यात्रा करके जाते हैं पिता, ने पंखों की आड़ में छुपा रख, कोई में हमारे कोई मारे पिता इनको छू भी ना पाए पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं पिता प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हैं पिता, बहुत दूर दूर से आने वाले हैं लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं है पिता, वो सब व्यवस्था के नाम से पूरी हो जाए खुदावन ईश्वरसी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, तूने सबको तो आशीष प्रदान किया हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर वहीं प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते प्रार्थना सुवा धन्यवाद ईश्वर ना पिताजी आशीष मांगते हैं। ईश्वर दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं ये पियो, हम विश्वास के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट से लेकर जे ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।